हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर से लेके आई हूँ मिंत्रा का हॉल। तो मैं आज लाई हूँ 4 कुर्ते, वो भी कॉटन के, जो कि बहुत हल्के हैं और समर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बिल्कुल परफेक्ट है ऑफिस वेयर और कॉलेज वेयर के लिए। कॉलेज में भी आप इसको पहन के जा सकते हो, जो कि बिल्कुल अच्छे लगेंगे समर में पहनने के लिए हैं, और ऑफिस वेयर के लिए तो बहुत ही परफेक्ट है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वाला जो मैंने वेयर किया है, ये अनुप का ब्रांड का है, जो कि प्योर कॉटन है। और हाँ, मैंने ना लार्ज साइज मंगाया। एक्चुअली मेरे मीडियम आ जाता है, बट मैं लार्ज साइज इसलिए मंगाती हूँ, एक साइज अप मंगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना ये डर रहता है कि कॉटन वाले ना ज़्यादातर श्रिंक हो जाते हैं कपड़े, तो धुलकर श्रिंक हो जाएगा, वॉश होगा तो श्रिंक हो जाएगा, तो साइज़ उसका और छोटा हो जाएगा। तो इसलिए मैं लार्ज मंगाती हूँ, तो वो जब भी मैं वॉश करूँगी, एक बार दो बार पहनने के बाद जब वो वॉश होगा, तो वॉश होके वो ऑलरेडी मीडियम में आ जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉटन श्रिंक करता है, ये तो सभी जानते हैं, कॉटन थोड़ा बहुत श्रिंक करता है। तो वो श्रिंक करने की वजह से मैं मंगाती हूँ, क्योंकि मीडियम में परफेक्ट, मेरा साइज़ मीडियम बिल्कुल परफेक्ट है। जो कॉटन के अलावा मैं अलग उसके क्लोथ लेती हूँ, जैसे अलग मटेरियल वाले लेती हूँ, तो मैं उसमें मीडियम साइज़ आराम से ले लेती हूँ और पहन लेती हूँ। जिसमें श्रिंक नहीं होता, वो वाले की बात कर रही हूँ, और जिसमें श्रिंक होता है उसमें एक साइज़ अप ही लेती हूँ, ताकि वो श्रिंक हो तो वो साइज़ बाद में मेरे सही आ जाए। वरना हम बिल्कुल फिटिंग वाला साइज़ पहनेंगे, वो श्रिंक होगा तो वो सिर्फ एक दो बार ही पहन पाएंगे, उसके बाद तो पहन ही नहीं पाएंगे, तो इस वजह से। तो चलिए मैं बताती हूँ, ये मैंने अनुप ब्रांड का कुर्ता पहन रखा है, जो कि पर्पल कलर का है और लहरिया वाला है। इसमें बहुत अच्छे प्रिंट है और गला भी इसमें वी नेक है, और स्लीव्स जो हैं 3-4 स्लीव्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। और ये प्योर कॉटन है, जो कि पहन के भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसका फुल जो इमेज है वो आपको साइड में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। पर ये बहुत अच्छा है, बहुत कॉटन का है और बहुत ही कंफर्टेबल है। आप इसको आराम से पहनकर जा सकते हैं, आपको अगर कहीं बाहर जाना है, आप इसको आराम से पहने, ज्वेलरी वगैरह डाल के पहने तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको अच्छे से वेयर करेंगे, दुपट्टे के साथ करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इनफैक्ट इसको आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं। ज़्यादातर कॉलेज वेयर और ऑफिस वेयर वाली गर्ल्स क्या करती है, मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइप के कुर्ते जीन्स पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वाइट लेगिंग्स पे तो लगते ही लगते हैं अच्छे हैं, पर जीन्स पे तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। स्मार्ट लुक लगता है जीन्स पे, तो इस वजह से स्टॉल डालिए, जीन्स पहनिए और कुर्ता पहनिए, बिल्कुल कंफर्टेबल, पूरे दिन आराम से रहेंगे। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि जीन्स पे पहन सकते हैं, और इसका जो फुल रिव्यू है साइड में देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। दूसरा जो मैंने मंगाया है वर्गना का है, वर्गना ब्रांड है। और हाँ, इसके जो प्राइजेज है ना, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मिंत्रा पे जो प्राइजेज है ना, थोड़े अप डाउन होते रहते हैं, कभी वो बढ़ जाते हैं, कभी वो कम हो जाते हैं। सेल तो अलग होती है, बट इसमें मिंत्रा के जो प्राइस है ना, हमेशा मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, अप डाउन होते रहते हैं, कभी तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और कभी बहुत ही लो हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ें, तो मुझे अभी इनके परफेक्ट जो रेट हैं वो सही से नहीं पता है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी, मेंशन कर दूंगी, वो आपको पता चल जाएगा। बट इसका जो ओरिजिनल प्राइस है इस वाले का, वर्गना कुर्ते का, इसका ओरिजिनल प्राइस जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो इस पे लिखा हुआ है टैग पे, MRP है इसका 2199, मतलब 2199 रुपीज़ का है ये। और ये जो मुझे पड़ा है, मुझे सही से याद नहीं है, मुझे बहुत कम रेट में पड़ा है, तो मैं इसका जो आपको रेट है वो स्क्रीन पे आपको मेंशन हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको बताती हूँ, ये भी प्योर कॉटन का है और फुल लेंथ है, और लार्ज साइज ही मंगाया है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं मीडियम इसलिए नहीं मंगाती, क्योंकि कुछ कपड़े श्रिंक हो जाते हैं, तो ये लार्ज साइज मंगाया है मैंने। और इसका भी नेक जो है वी नेक है, और इसका कलर जो है ना ब्लू कलर है। ये इंडिगो कलर जो होते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और वाइट कलर से इस पर ऐसे लाइनें हैं, तो ये आप देख सकते हो। और इसकी जो स्लीव्स हैं वो भी 3-4 स्लीव्स हैं, और इसकी स्लीव्स पे भी सेम ये डिज़ाइन बना हुआ है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और इतना सी थ्रू नहीं है, क्योंकि ये आप इसको बिना इनर के भी पहन सकते हो, मतलब आप इसके अंदर कुछ पहनेंगे भी नहीं ना, तो ये आपको कंफर्टेबल रहेगा, सी थ्रू नहीं है ये। तो ये है, और इसकी लेंथ जो है वो मेरे तो एक्चुअली जिसकी हाइट कम होती है उसकी लेंथ एंकल से थोड़ी ऊपर ही आती है, और जिसकी लंबी होती है तो उसके तो नी तक आएगा, किसी के नी के नीचे आएगा, और जिनकी हाइट मेरी जितनी होगी 5, तो उसके आराम से एंकल लेंथ से थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो मुझे तो भाई वैसे भी लॉन्ग कुर्ते बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं हमेशा लॉन्ग कुर्ते ही प्रेफर करती हूँ।
तो क्योंकि मुझे शॉर्ट कुर्ते ऐसा लगते हैं कि यार मेरे पे सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग कुर्ते मुझे शुरू से ही मुझे स्टार्टिंग से ही आदत है लॉन्ग कुर्ते पहनने की, तो मैं ज़्यादा लॉन्ग ही पहनती हूँ, शॉर्ट में बहुत कम पहनती हूँ। तो ये है, और इसकी जो फुल इमेज है वो आपको साइड में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये है पिंक कलर का और ये है संगारिया ब्रांड का, और इसकी MRP है 1499, मतलब कि 1500 के ही करीब समझिए, 1499 रुपये हैं इसके। और ये भी लार्ज साइज है और ये भी कॉटन है। तो मुझे तो ये तीनों कुर्ते बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, कॉटन है और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली मुझे पिंक कलर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे पास जो भी मैं मंगाती हूँ उसमें पिंक कलर तो ज़रूर होता है, तो मेरे पास पिंक कलर के तो कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। और ये भी फुल लेंथ है और इसका जो नेक है ना आगे से राउंड नेक होके यहाँ पर ऐसे बटन लगे हुए हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं, और ये जीन्स पे पहनेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आप इसके साथ व्हाइट लेगिंग्स पहनना चाहते हैं तो व्हाइट लेगिंग्स भी पहन सकते हैं, और इसके साथ आप कुछ कंट्रास्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर दिए हुए हैं, 3-4 कलर हैं, तो आप उसके हिसाब से ना उसकी मैचिंग कर सकते हैं, लेगिंग्स उस हिसाब से पहन सकते हैं, या फिर जीन्स या फिर व्हाइट लेगिंग्स। व्हाइट लेगिंग्स और जीन्स पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और देखिए इसके स्लीव्स पे भी डिज़ाइन बना हुआ है, जैसे नीचे इसके दामन पे बना हुआ है, सेम वही डिज़ाइन है। और ये भी लॉन्ग कुर्ता ही है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे एंकल से थोड़ा सा ऊपर ही आता है, तो ये सेम वैसी ही है, और जिनकी हाइट लंबी है उनको नी या नी से नीचे आएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये भी सी थ्रू नहीं है। और मुझे इसके एक्चुअली मुझे इनके ना रेट अभी याद नहीं है, इन सारे कुर्तों के, चारों कुर्तों के रेट आपको स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगे, बट इनकी MRP बहुत ज़्यादा है, पर ये इतने के नहीं पड़े, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मिंत्रा में रेट ऊपर नीचे होते हैं। तो इसकी जो फुल इमेज है वो भी आपको साइड में देखने को मिलेगी, और ये भी बहुत अच्छा है। ये ना कॉटन मिक्स वाला कपड़ा है, जैसे एक होता है बिल्कुल कॉटन वाला और एक में जिसमें थोड़ा सा जूट वाला कपड़ा होता है ना, खादी वाला, ये वो वाला कपड़ा है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और पहन के बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। तो एक तो ये है, और इसकी फुल जो इमेज है वो साइड में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए लास्ट कुर्ते की तरफ चलते हैं, बट मैं लास्ट कुर्ता ना आप लोगों को प्रेफर नहीं करूंगी कि आप इसको खरीदें, क्योंकि तो मुझे भी पसंद नहीं आया। इसका कलर और प्रिंट तो अच्छा लगा, क्योंकि मैंने भी इसका प्रिंट और कलर देख के ही लिया, बट वो ना कॉटन नहीं था, वो पॉलिस्टर है, और उसका कपड़ा ना बिल्कुल गर्मी के मतलब का नहीं है, आप इसको ना नहीं पहन सकते, इरिटेशन हो जाएगी, इतनी गर्मी लगेगी, क्योंकि मैंने पहना है ना, तो इसलिए मुझे पता है। थोड़ी सी 10 मिनट में ही मैं नहीं पहन पाई थी, तो इसलिए। पर मुझे ना इसका प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने मंगा लिया, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये कॉटन नहीं है, इसलिए। ये भी संगारिया ब्रांड का ही है और ये भी लार्ज साइज ही है, बट मैं ये रिटर्न कर दूंगी, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और ना ही ये मेरे को सूट करा। ये बहुत ज़्यादा चौड़ा भी हो गया था लार्ज साइज, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये कहीं श्रिंक ना हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा ना चौड़ा हो चुका है, तो ये तो वैसे भी रिटर्न ही होगा, क्योंकि मुझे इसका कपड़ा अच्छा नहीं लगा और इसका साइज़ भी मेरे नहीं आया। लार्ज तो ये लग ही नहीं रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये XXL या XXXL है। और इसकी स्लीव्स जो हैं लूज वाली स्लीव्स हैं, अम्ब्रेला वाली, अगर जिसको अच्छा लग सकता है तो वो ले सकता है। ये भी लॉन्ग है, इसको आप शलवार पे, वाइट शलवार जो होती है उस पर पहन सकते हैं, धोती पे पहन सकते हैं, प्लाजो पे पहन सकते हैं, जिस पे भी आपको अच्छा लगे उस पर पहन सकते हैं। और इसका प्रिंट ना, सच में इसका प्रिंट ही देख के मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने इसका प्रिंट देख के ही मंगाया, वरना मुझे इसका कपड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जो इसका क्लोथ है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसका जो फुल रिव्यू है आपको साइड में देखने को मिल जाएगा, और इसका जो MRP है ना वो 2499 है, 2499, 2499 का। तो ये प्राइस जो इस पर लिखे हुए हैं ये उस हिसाब का कपड़ा नहीं है बिल्कुल भी, तो भाई मैं प्रेफर नहीं करूँ, मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप ये लो, बट अगर किसी को पसंद आ रहा है और जिसको सूट कर जाता है वो आप ले सकते हो, बट मेरी तरफ से तो नो। और ये भी अच्छा लग रहा है, मतलब इसके जो ये सब लगे हुए हैं ना नीचे ये वाले, ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, इसका प्रिंट अच्छा लगा। तो चलिए इसका फुल रिव्यू आपको साइड में देखने को मिल जाएगा। और फाइनली आपको मेरा हॉल कैसा लगा मिंत्रा का, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो मैंने दिखाया होप आपको अच्छा लगा हो। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।